नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वाघेला फिर सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शैवी एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग फिर से 11 दिन का सिनेमेटोग्राफी का मास्टर क्लास लेके आ रहा है। मास्टर क्लास ये क्या होता है, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है? नंबर वन, जो फोटोग्राफर ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, मतलब कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा है या जो वीडियोग्राफी करता है और वीडियो के अंदर उसका काफी अच्छा नॉलेज है, लेकिन वो सिनेमेटोग्राफी सीखना चाहता है। सिनेमेटोग्राफी के अंदर हमें काम करना होता है मिररलेस या DSLR कैमरा से, साथ में गिम्बल से और छोटी छोटी LED लाइट से। तो ये मास्टर क्लास उन्हीं के लिए है जिनको ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। जीरो से हीरो नहीं है, जीरो से हीरो का हमारा दूसरा कोर्स है जो 3.5 से 4 महीने का है, जिसमें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं मेमोरी कार्ड कैसे लगाना है, स्टैंड्स कैसे लगाना है, हर चीज। वो पूरा कोर्स अलग है, आज की बात है मास्टर क्लास के लिए, 11 दिन का मास्टर क्लास। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस 11 दिन के मास्टर क्लास में क्या क्या है। डे वन, पहले दिन हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफी, मतलब कि एग्जैक्टली वेडिंग सिनेमेटोग्राफी क्या होता है, वीडियोग्राफी से वो कैसे अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बारे में जैसे ही बात करना शुरू करेंगे तो हमारी टेक्निकल जो चीजें है वो सामने आएगी, जैसे कि हमें सिनेमेटोग्राफी में बीट रेट क्या रखना है, FPS क्या रखना है, साथ में पिक्चर प्रोफाइल क्या रखना है, मतलब कि दोस्तों अब हमें लॉग फाइल से भी सीखना है। कई सारे मेरे दोस्त आज भी रेगुलर या स्टैंडर्ड पे शूट करते हैं, हम लोग उसको लॉग फाइल पे कैसे शूट करना है, उसको कैसे एडिट करना है, उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, 10 बीट क्या होता है, 8 बीट क्या होता है, जिससे कलर की आपकी प्रोफाइल में कितना फर्क आता है, इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे जिससे कि हमारी सिनेमेटोग्राफी को हम लोग अच्छे से अच्छे आउटपुट से शूट कर पाए और हमारा क्लाइंट को डिलीवर कर पाए। उसके साथ साथ दोस्तों सिनेमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कैमरा मूवमेंट, मतलब कि अगर आपको वेडिंग सिनेमेटिक करना है तो आपके कैमरे को ऑलवेज मूवमेंट में रखना है। तो कैमरे को मूवमेंट में रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है गिम्बल, तो गिम्बल का बैलेंसिंग सीखेंगे, गिम्बल से कैसे शॉट्स बनाना है वो भी सीखेंगे। जैसे आप गिम्बल बीच में लाते हो तो बात आती है कि इसमें कौन कौन से लेंसेस लगेंगे, तो कौन कौन से लेंसेस लगेंगे और कहां कहां उसका हम लोग यूज करेंगे, और जब गिम्बल पे बैलेंस करते हैं तो क्या दूसरे लेंसेस उस पर लगा सकते हैं, वो सारी चीजों को जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों गिम्बल तो लगा दिया, सेट हो गया, लेकिन गिम्बल से शॉट कैसे बनाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे शॉट्स होते हैं जिसमें से मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो मेरे बहुत सारे फोटोग्राफर दोस्त जो है, वीडियोग्राफर दोस्त है, उनको पता ही नहीं है कि कैमरा अगर नीचे से ऊपर जाता है तो शॉट को क्या बोला जाता है, या कैमरे को ऊपर से नीचे लेके जाते तो उस शॉट को क्या बोला जाता है। यस, अगर आपका कैमरा ऊपर मूव कर रहा है तो उसको बोला जाता है पेड अप, कैमरा नीचे अगर जाता है तो उसको बोला जाता है पेड डाउन। कैमरा अगर ट्राइपोड पे है और ऊपर नीचे जा रहा है तो अलग चीज है, ध्यान से दोस्तों, अगर कैमरा ट्राइपोड पे है और अगर आपका कैमरा नीचे जा रहा है तो उसको बोला जाता है टिल्ट डाउन, और अगर ऊपर जाता है तो टिल्ट अप। वैसे अगर कैमरा लेफ्ट साइड जाता है तो आपका जो शॉट है उसका नाम बन जाता है पैन लेफ्ट पैन राइट। तो इस तरह से जो जितने भी शॉट्स है उसको हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे और सारी कैमरा मूवमेंट को समझेंगे ठीक से। इससे क्या हो जाएगा, इस हर चीज का मतलब होता है, हर शॉट का मतलब होता है, और इनसे आप अपना सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा एट्रेक्टिव बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के मैं आपको एक एग्जाम्पल देखना चाहूंगा कि कैमरा अगर आगे आता है, ध्यान से समझ रहा दोस्तों, अगर मैं कैमरे को गिम्बल पे लगा के शूट करके गिम्बल को अगर आगे लेके जाता हूं तो उस शॉट को क्या बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं कैमरे को यहीं पर शूट ट्राइपॉड पे लगा के जूम इन करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूम इन एंड ट्रैकिंग। तो ये सारी टेक्निकलिटीज हम लोग सीखेंगे इस डे वन को। आगे बढ़ते दोस्तों डे टू के लिए। तो डे टू को सबसे पहले, अगर आपको वेडिंग सिनेमेटोग्राफी में प्री वेडिंग को शूट करना है, फिल्म को शूट करना है, इंट्रो को शूट करना है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा शॉट, सीन और सीक्वेंस। इससे आप बहुत क्लियर हो जाओगे मुझे क्या शूट करना है और कितना करना है। इसके साथ साथ फ्रेमिंग एंड कंपोजिशन, मतलब के सिनेमेटोग्राफी के जो कंपोजिशन है वो अलग है, क्योंकि हम लोग ने डे वन को देखा इसका एस्पेक्ट रेशियो अलग है, तो इसके कंपोजिशन भी अलग तरीके से बनते हैं जिससे कि आपको इंटरनेशनल लेवल की फील मिले। उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने ये पहले दिन कैमरा सेट कर दिया, फ्रेमिंग समझ लिया, ये सब चीजें समझ ली, लेकिन शूट करना है तो डे टू यानी कि उसी दिन हम लोग कॉस्ट्यूम का शूट करेंगे।
ज्वेलरी का शूट करेंगे और साथ में ही मॉडल को बुला के उसका गेट एंड रेडी शूट करेंगे, मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट आएंगे, मॉडल को तैयार करेंगे, एज अ ब्राइड लुक देंगे और हम लोग उसको शूट करेंगे और सेम डे उसका एडिट भी करेंगे। तो देखा दोस्तों ये कितना प्रैक्टिकल है। तीसरे दिन पे जाते हैं दोस्तों, डे थ्री, हमने जो फ्रेमिंग सीखा, कंपोजिशन सीखा, लेंसेज का यूज सीखा, तीसरे दिन हम लोग जाएंगे आउटडोर लोकेशन पे और उस आउटडोर लोकेशन को शूट करेंगे नंबर वन। वहां पर हम लोग फिर से ब्राइड का लुक तैयार करेंगे, मतलब के यहां पर गेट एंड रेडी और फिर से मेकअप करके ब्राइड के लुक में मॉडल्स को तैयार करेंगे और उस मॉडल्स को वाइड एंगल में अच्छे लोकेशंस पे, यानी कि हिस्टोरिकल लोकेशन है या गार्डन है तो कैसे शूट करना है, वो सारे पार्टिसिपेंट्स वहां पर फिर से गिम्बल बैलेंस करेंगे, सेट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे और उसी दिन शाम तक हम लोग एक मिनट का ब्राइडल टीजर तैयार करेंगे। नंबर टू, वेस्टर्न गारमेंट। हाफ डे के बाद सुबह का 3-4 घंटे का सेशन ट्रेडिशनल में होगा, 3-4 घंटे का सेशन जो है वेस्टर्न में होगा। आप बोलोगे सर वेस्टर्न में क्या शूट करेंगे, तो वेस्टर्न में हम लोग शूट करेंगे वीडियो पोर्टफोलियो जो लिप डब जैसा होगा, मतलब के साउंड भी प्ले होगा और आपको लिप डब के साथ एक वीडियो पोर्टफोलियो भी बनाना है। ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने मिलेगा, देखा दोस्तों, और साथ में उसका एडिटिंग, मतलब के सेम डे आपको एडिट भी करना है और सीखना है। डे फोर, हम जो सिनेमेटोग्राफी करते हैं उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा होता है प्री वेडिंग शूट का, मतलब हम लोग प्री शूट के लिए अलग 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 लोकेशन पे जाते हैं। तो सबसे पहला, ये जो प्री वेडिंग हम जो शूट करेंगे वो कैसा होगा, रोमांटिक होगा, स्टोरी टेलिंग होगा या फनी होगा, तो सबसे पहले उसकी स्क्रिप्टिंग लिख समझेंगे। उसके बाद सॉन्ग सिलेक्शन, कैसे ऐसे सॉन्ग हमें सिलेक्शन करने चाहिए। हम लोग हमारी एकेडमी में सबसे पहले कम से कम 5, 10 या 15 प्री वेडिंग सॉन्ग देखेंगे कि उसका बेस क्या है, उसकी थियरी क्या है, किस तरीके से शूट किया गया है, कितने शॉट्स की लेंथ क्या है, वो हर चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम लोग आउटडोर पे जाएंगे, मतलब ये सारी प्रिपरेशन है, दूसरे दिन हमें प्री वेडिंग शूट करना है, तो उसकी स्क्रिप्टिंग समझ लो हमारे पार्टिसिपेंट्स है 15, तो सबको मिला के कम से कम 3 या 4 ग्रुप बनेंगे, 3-3 लोगों के, और हर ग्रुप को एक एक स्क्रिप्ट बनानी है और चारों ग्रुप को अलग 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 प्री शूट करना है। तो ये सारी तैयारी, जैसे कि उनके प्रॉप्स कैसे रहेंगे, उस ऑन लोकेशन पे हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी प्रिपरेशन हो जाएगी और प्री वेडिंग के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट उसी दिन क्लियर हो जाएंगे। डे फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्री वेडिंग शूट के लिए हम लोग 2 तरीके की लोकेशन पसंद करते हैं। एक आउटडोर लोकेशन, आउटडोर का मतलब होता है कि आपके शहर में अगर झील है या बड़ा गार्डन है, समंदर किनारा है या माउंटेन्स है या कोई पुराना किला है, ऐसा कोई लोकेशन पे जहां पर पाबंदियां कम होती है, तो वहां कैसे शूट करना है, वहां कैसे लेंसेज यूज करना है, कपल को मूवमेंट कैसे करवाना है, कोरियोग्राफ कैसे करना है, एक्ट कैसे करवाना है, वो हम लोग शूट करेंगे। ध्यान से दोस्तों, तो पहला लोकेशन हमारा आउटडोर है, शायद जैसे मैं गुजरात में हूं, हम लोग 2 लोकेशन पसंद करते हैं, एक हमारे यहां से पास पड़ता है उदयपुर, मे बी हम लोग उदयपुर प्री वेडिंग शूट के लिए जाएंगे, या फिर यहां से एक और लोकेशन पास पड़ता है उसका नाम है दीव, शायद वो समंदर किनारे, तो हम लोग दीव भी जा सकते हैं। तो ये 2 लोकेशन जो है हम लोग आउटडोर में शूट करने के लिए चलेंगे। उसके साथ साथ ड्रोन, मतलब के आउटडोर में ड्रोन से कैसे शॉट बनाना है, उसके साथ टेक्निकल चीज है जैसे कि ND फिल्टर कैसे यूज करना है, CPL फिल्टर का क्या फायदा है, ग्रेडियंट फिल्टर का क्या फायदा है, सनसेट, सनराइज, शील आउट शॉट्स कैसे बनाना है, ये सारा प्रैक्टिकल आपको यहां पे आके शूट करना है, सीखना है और सेम डे रात को एडिट। अब बात करते हैं डे 6 की। सर कल तो हमने प्री वेडिंग शूट किया, तो आज क्या, आज फिर से प्री शूट, लेकिन दोस्तों आज पेड लोकेशन पे, मतलब के पिक्सो सिटी हो गया या द परफेक्ट लोकेशन हो गया या जो पेड होते हैं जिसमें आपको पर डे 20-30-40 हज़ार पे करके शूट करना होता है। दोस्तों इस लोकेशन की चैलेंज अलग है क्योंकि ये छोटे होते हैं, 15 फीट, 20 फीट या 30 फीट के सेट होते हैं और उस 30 फीट में आपकी फ्रेमिंग बदल जाती है, आपके कंपोजिशन बदल जाते हैं, आपके कैमरे की मूवमेंट बदल जाती है, तो गिम्बल से कैसे कैसे शॉट्स बना के कौन सा लेंस यूज करना है वो सारा हम लोग प्रैक्टिकल में ऑन लोकेशन देखेंगे और साथ में ही वीडियो पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, मतलब कि यहां पर भी हमारे पास 2 या 3 कपल होंगे और 1-2 मॉडल्स होगी जिसमें हम लोग वीडियो पोर्टफोलियो बनाएंगे और ताकि सारे दोस्तों को वेरिएशन ऑफ शॉट्स और सारी चीजें मिले और अगेन उसी जो वीडियो पोर्टफोलियो बनाया उसमें से रील्स बनाना सीखेंगे कि रील्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल, जैसे आप जानते हो 5 डेज टू गो, 10 डेज टू गो, वैसे रील्स भी बनती है, इंट्रो भी बनता है,
वेलकम भी बनता है, इन्विटेशन वीडियोस भी बनता है, ये सारी चीजों को टास्क वाइज दिया जाएगा ताकि एक ग्रुप जो है टीजर बनाएगा, एक ग्रुप जो है इंट्रो बनाएगा, एक ग्रुप जो है सेव द डेट बनाएगा और उसका एडिटिंग करेगा। अब बात आती है यूज ऑफ स्मॉल लाइट्स। दोस्तों हम लोग ने आउटडोर में शूट किया, पेड लोकेशन पे शूट किया, लेकिन एलईडी लाइट्स आज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिनेमाटोग्राफी में, जैसे कि LC500 गोडॉक्स की हो गई, M1 हो गई, SL30 हो गई, SL60 हो गई, ऐसी बहुत सारी लाइट्स जो है हम लोग यूज करते हैं। तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, एक दुल्हन को, एक ब्राइड को मेहंदी या हल्दी का लुक देंगे, स्टूडियो में ही शूट करेंगे, उसका गेट एंड रेडी भी शूट करेंगे, लेकिन आज टास्क बदल रहा है, ये इन हाउस काम हो रहा है, इंडोर में काम हो रहा है। सलोन्स के अंदर जब आप शूट करने जाओगे तो कम स्पेस होगी, वहां पर आपको शूट कैसे करना है उसका एक माहौल बनाया जाएगा। मेहंदी का एक छोटा सा सेटअप या हल्दी का एक सेटअप करेंगे, उसको कैसे शूट करना है, ब्राइड को कैसे कैसे मोमेंट देना है, उन सब चीजों को सीखेंगे। और साथ में ही आज हम लोग बात करेंगे हमारी लॉग फाइल के ऊपर, मतलब कि इसका जो एडिट करके टीजर बनेगा, जिसको हम लोग PP3 या फिर सी लॉग या एन लॉग पे शूट करेंगे, और उसको करेक्शन कैसे करना है। ध्यान से दोस्तों, अब आगे बात आती है कलर करेक्शन की, कलर ग्रेडिंग की, उन सब चीजों को शूट करेंगे, और सेम डे इसका भी टीजर या 2 मिनट का हाईलाइट हम बना के आउटपुट देने वाले हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, Day 7। आप सोचोगे सर प्री वेडिंग हो गया, वेडिंग हो गया, आपने हल्दी मेहंदी भी करवा दी और आउटडोर भी ले चले, अब क्या बचा है। सर बहुत सारी चीजें, हम लोग जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं उसमें एक बहुत चीज पॉपुलर है, वो है इंटरव्यू, मतलब के पेरेंट्स की फीलिंग्स। वेडिंग के फिल्म के अंदर हम लोग ज्यादातर जो है ओपन करते पेरेंट्स का इंटरव्यू से या ब्राइड एंड ग्रूम का इंटरव्यू से, कि ये जो कपल है ये एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, उनका पहला मीटिंग कैसे हुआ, उनका अटैचमेंट कैसे बना, या उनकी जो उनको जो चीज़ें उनकी अच्छी लगती है। तो आपको ये इंटरव्यू कैसे शूट करना है और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स ये आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि क्या क्या पूछना है। ऐसा हो सकता है कि कोई दूल्हा दुल्हन, कोई ब्राइड एंड ग्रूम थोड़े से शाई हो, तो उनको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद इंटरव्यू शूट करना है, दैट मीन्स के ऑडियो डिपार्टमेंट, वायरलेस ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है, अगर वायरलेस नहीं है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है, उसके बीट्स कैसे देखना है, उसका लेवलिंग, उसके अलावा साउंड को कैसे एडिट करना है। तो कुल मिला के Day 7 को हम लोग ऑडियो, इंटरव्यू और इन सब चीजों को देखेंगे। Day 8, 8वें दिन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बार हम लोग एक कोरियोग्राफर को बुलाएंगे, कपल को बुलाएंगे और पूरा डांस सीक्वेंस शूट करेंगे। ध्यान से दोस्तों, मतलब लिप डब भी होगा, डांस मूवमेंट भी होगी, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस आएगी फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड की। अब चैलेंज आगे बढ़ रही है, सब्जेक्ट बहुत तेज मूवमेंट कर रहा है, डीजे हो रहा है, डांस हो रहा है, उसमें कैसे शूट करना है। 2-3 सीक्वेंस शूट करेंगे, जिसमें से एक होगा लिप डब के लिए, एक होगा कपल डांस के लिए और एक होगा डीजे जैसा माहौल बनाएंगे इन हाउस। ये लास्ट में नहीं था, इस बार हमने ऐड किया है, मतलब के आपको डांस की मूवमेंट को कैसे शूट करना है, फोकस मोड क्या रखना है, फोकस पॉइंट कैसे करना है, या कम स्पेस में, ज्यादा भागदड़ी में, ज्यादा जो माहौल जो रहता है उसमें कैसे शूट करना है, लाल पीली हरी जो LED लाइट्स होती है उसमें कैसे डील करना है, वो सारी चीज हम लोग शूट करेंगे और अगेन वहां पर एडिट भी करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, Day 9। 9 डे को हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबह का 4 घंटे का सेशन। इस बार इस दिन हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और ड्रोन से शूट कैसे करना है, सिर्फ एक सीक्वेंस कपल की, आप शूट कर सकते हो अपने कैमरा से, गिम्बल को लेके चलना है, हम लोग एक कपल की सुबह प्री वेडिंग की एक सीक्वेंस शूट करेंगे, लेकिन चैलेंज होगी ड्रोन की, ड्रोन से कैसे शॉट्स बनाए जाए। तो मास्टर शॉट्स, 15 मास्टर शॉट्स ऑफ ड्रोन, वो हम लोग यहां पे देखेंगे। उसके साथ साथ लंच के बाद एडिटिंग का मास्टर क्लास, मतलब के शूट कर लिया, अब एडिटिंग का मास्टर क्लास, जिसमें जो एडवांस टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, वो हम लोग आपको सिखाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो चीजें आपको नहीं भी पता है, क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, एडिटिंग के रिलेटेड कुछ भी, वो Day 9 को सुबह 3-4 घंटा हमारा रहेगा ड्रोन और प्री शूट के लिए, और लंच के बाद पूरा हमारा रहेगा एडिटिंग मास्टर क्लास के लिए। शायद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, शायद कुछ मेरे दोस्तों के जो रेडीमेड प्रोजेक्ट पे काम करते हो उस पर कैसे काम करना है, या जो मैनुअल शूट एडिट करना है तो मैनुअल एडिटिंग कैसे करना, वो सारी चीजों के मामले में हम लोग बात करेंगे। सॉफ्टवेयर होगा एडोब प्रीमियर। 10वें दिन क्रिएटिव शॉट्स, मतलब के क्रिस्टल बॉल्स हो गए, या फिर आपके छोटे छोटे फवारे हो गए, या ऐसी हजारों चीजें जिससे हम लोग क्रिएटिव शॉट्स बना सकते हैं।
मास्टर शॉट्स कैसे लेने, मैक्रो शॉट्स कैसे बनाने, क्योंकि मास्टर शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ 10वें दिन आपको ये जो वर्कशॉप पूरा हो रहा है उसके ऊपर आपका एक व्लॉग भी बनाना है, मतलब कि आपका खुद का एक पूरा व्लॉग। साथ में ही लॉन्ग गाउन में कपल कैसे शूट करते हैं उसके रेफरेंस वीडियो और शूट देखेंगे। कुल मिला के 9-10 दिन में जितना भी सीखा है उसका पूरा एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे लगा के एक सीक्वेंस, यहाँ पर एक पुराना जो है टेम्पल है वहां पर जाके शूट करेंगे और वहां पर उसके ऊपर आपका व्लॉग और रिकॉर्डिंग हो जाएगा। 11वां दिन, आपने 10 दिन में जो सीखा, टीजर बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई, हाईलाइट बनाई, उसको आपको यहां पर सबमिट करना है। साथ में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंटो और ग्रुप फोटो सेशन। और आपको कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो हम आपके पिक्चर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग शूट करेंगे, मतलब कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर का भी शूट करेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग फोटोग्राफी की भी बहुत सारी बात करेंगे। जिस चीज को अगर फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है और इन बिटवीन जब शूट चल रहा है तो अगर आप फोटोग्राफी के बारे में पूछेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। जहां जरूरत पड़ी शायद हमारा एक सेशन और भी होता है इन बिटवीन, बीच में कहीं पर भी एक लाइट पेंटिंग का सेशन होता है, हाई स्पीड सिंक का सेशन होता है, ये एक एक दो दो घंटे के सेशन होते हैं। तो ये 11 दिन का जो मास्टर क्लास है इसके अंदर ये सब चीजें तो है ही। कैसे ज्वाइन करना है तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, बाकी की सारी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी।